रामपाल दास जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को गांव धनाना जिला सोनीपत हरियाणा में एक किसान परिवार में हुआ। पढ़ाई पूरी करके हरियाणा प्रांत में सिंचाई विभाग में जूनियर इंजीनियर की पोस्ट पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। सन 1988 में परम संत रामदेवानंद जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त की तथा तन मन से सक्रिय होकर स्वामी रामदेवानंद जी द्वारा बताए भक्ति मार्ग से साधना की तथा परमात्मा का साक्षात्कार किया। संत रामपाल दास जी महाराज को नाम दीक्षा 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या को रात्रि में प्राप्त हुई। उस समय संत रामपाल जी महाराज जी की आयु 37 वर्ष थी। उपदेश दिवस अर्थात दीक्षा दिवस को संत मत में उपदेशी भक्त का आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी की गुरु प्रणाली जो कबीर साहिब जी से शुरू होते हुए संत गरीबदास जी महाराज जी छुड़ानी हरियाणा वाले से होते हुए संत शीतलदास जी महाराज गांव बरहाना जिला झज्जर हरियाणा, संत ध्यानदास जी महाराज, संत रामदास जी महाराज, संत ब्रह्मानंद जी महाराज गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा, संत जुगदानंद जी महाराज, संत गंगेश्वर नंद जी महाराज गांव वाजीदपुर दिल्ली, संत चिदानंद जी महाराज जी गांव गोपालपुर सोनीपत हरियाणा, स्वामी रामदेवानंद जी महाराज तलवंडी भाई फिरोजपुर पंजाब तक एक ऐसी महान गुरु प्रणाली में दीक्षित संत है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी, जो आज पूरे भक्त समाज को शास्त्र अनुकूल ज्ञान देकर मोक्ष प्रदान कर रहे हैं। उपरोक्त विवरण श्री नॉस्ट्रादमस जी की उस भविष्यवाणी से पूर्ण मेल खाता है जो पृष्ठ संख्या 44 और 45 पर लिखी है। जिस समय उस तत्वदृष्टा साइरन का आध्यात्मिक जन्म होगा उस दिन अंधेरी अमावस्या होगी। उस समय उस विश्व नेता की आयु 16, 20, 25 वर्ष नहीं होगी, वह तरुण नहीं होगा बल्कि वह प्रौढ़ होगा और वह 50 और 60 वर्ष के बीच की उम्र में संसार में प्रसिद्ध होगा। वह सन 2006 होगा। सन 1993 में स्वामी रामदेवानंद जी महाराज जी ने आपको सत्संग करने की आज्ञा दी तथा सन 1994 में नामदान करने की आज्ञा प्रदान की। भक्ति मार्ग में लीन होने के कारण जेई की पोस्ट से त्याग पत्र दे दिया, जो हरियाणा सरकार द्वारा 16/5/2000 को पत्र क्रमांक 3492-3500 तिथि 16/5/2000 के तहत स्वीकृत है। सन 1994 से सन 1998 तक संत रामपाल जी महाराज ने घर घर, गांव गांव, नगर नगर में जाकर सत्संग किया। बहुत संख्या में अनुयायी हो गए और साथ साथ ज्ञानहीन संतों का विरोध भी बढ़ता गया। सन 1999 में गांव करौथा जिला रोहतक हरियाणा में सतलोक आश्रम करौथा की स्थापना की तथा 1 जून 1999 से 7 जून 1999 तक परमेश्वर कबीर जी के प्रकट दिवस पर 7 दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन करके आश्रम का प्रारंभ किया तथा महीने की प्रत्येक पूर्णिमा को 3 दिन का सत्संग प्रारंभ किया। दूर दूर से श्रद्धालु सत्संग सुनने आने लगे तथा तत्व ज्ञान को समझ कर बहुसंख्या में अनुयायी बनने लगे। चंद दिनों में संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों की संख्या लाखों में पहुंच गई और जिन ज्ञानहीन संतों व ऋषियों के अनुयायी संत रामपाल जी महाराज जी के पास आने लगे तथा अनुयायी बनने लगे, फिर उन अज्ञानी आचार्यों तथा संतों से प्रश्न करने लगे कि आप सर्व ज्ञान अपने सदग्रंथों के विपरीत बता रहे हो। यजुर्वेद अध्याय 8 मंत्र 13 में लिखा है कि पूर्ण परमात्मा अपने भक्त के सर्व अपराध अर्थात पाप नाश कर देता है। आपकी पुस्तक जो हमने खरीदी है उसमें लिखा है कि परमात्मा अपने भक्त के पाप क्षमा अर्थात नाश नहीं करता। आपकी पुस्तक सत्यार्थ प्रकाश समोल्लास 7 में लिखा है कि सूर्य पर पृथ्वी की तरह मनुष्य तथा अन्य प्राणी वास करते हैं और इसी प्रकार पृथ्वी की तरह सर्व पदार्थ है, बाग बगीचे नदी झरने आदि, क्या ये संभव है? पवित्र यजुर्वेद अध्याय 5 मंत्र 1 में लिखा है कि परमात्मा सह शरीर है। विशनवेद त्वा सोमस्य तनुरसी इस मंत्र में 2 बार गवाही दी है कि परमेश्वर सह शरीर है। उस अमर पुरुष परमात्मा का सर्व के पालन करने के लिए शरीर है, अर्थात परमात्मा जब अपने भक्तों को तत्व ज्ञान समझाने के लिए कुछ समय अतिथि रूप में संसार में आता है तो वो अपने वास्तविक तेजोमय शरीर पर हल्के तेज पुंज का शरीर ओढ़ कर आता है और
इसीलिए उपरोक्त मंत्र में दो बार प्रमाण दिया है और इस तरह के तर्क से निरुत्तर होकर अपने अज्ञान का पर्दाफाश होने के भय से उन अज्ञानी संतों, महंतों व आचार्यों ने सतलोक आश्रम करोथा के आसपास के गांवों में संत रामपाल जी महाराज को बदनाम करने के लिए दुष्प्रचार करना प्रारंभ कर दिया तथा 12/7/2006 को संत रामपाल जी महाराज जी को जान से मारने तथा आश्रम को नष्ट करने के लिए आप तथा अपने अनुयायियों से सतलोक आश्रम पर आक्रमण करवाया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की जिस कारण से कुछ उपद्रवकारी चोटिल हो गए और सरकार ने सतलोक आश्रम को अपने अधीन कर लिया तथा संत रामपाल जी महाराज व उनके कुछ अनुयायियों पर झूठा केस बनाकर जेल में डाल दिया और इस प्रकार 2006 में संत रामपाल जी महाराज विख्यात हुए। भले ही अनजानों ने झूठे आरोप लगाकर संत को प्रसिद्ध किया परंतु संत निर्दोष है। नास्त्रोदमस जी की भविष्यवाणी को पढ़कर सोचेंगे कि संत रामपाल जी महाराज जी को इतना बदनाम कर दिया है, कैसे संभव होगा कि वे विश्व को ज्ञान प्रचार करेंगे। तो उनसे प्रार्थना है कि परमात्मा पल में परिस्थिति बदल सकता है। कबीर साहिब से सब होत है, बंदे से कुछ नाई, राई से पर्वत करे, पर्वत से फिर राई। परमेश्वर कबीर जी ने अपने बच्चों के उद्धार के लिए शीघ्र ही समाज को तत्वज्ञान द्वारा वास्तविकता से परिचित करवाएंगे, फिर पूरा विश्व संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान का लोहा मानेगा। संत रामपाल जी महाराज जी ने सन 2003 से अखबारों व टीवी चैनलों के माध्यम से सद्ज्ञान का प्रचार कर अन्य धर्म गुरुओं से कह रहे हैं कि आपका ज्ञान शास्त्र विरुद्ध अर्थात आप भक्त समाज को शास्त्र रहित पूजा करवा रहे हैं और दोषी बन रहे हैं। यदि मैं गलत कह रहा हूँ तो इसका जवाब दो। आज तक किसी भी संत ने जवाब देने की हिम्मत नहीं की। संत रामपाल जी महाराज जी को ईसवी संवत सन 2001 में अक्टूबर महीने में प्रथम बृहस्पतिवार को अचानक प्रेरणा हुई कि सर्व धर्म के सदग्रंथों को गहराई से अध्ययन कर और इस आधार पर सर्वप्रथम श्रीमद् भगवत गीता जी का अध्ययन किया तथा पुस्तक गहरी नजर गीता में की रचना की और उसी आधार पर सर्वप्रथम राजस्थान प्रांत के जोधपुर शहर में मार्च 2002 में सत्संग प्रारंभ किया। और इसीलिए नास्त्रोदमस जी ने कहा है कि विश्व धार्मिक हिंदू संत अर्थात साइरन 50 वर्ष की आयु में अर्थात 2001 में ज्ञेय ज्ञाता होकर प्रचार करेगा। संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म पवित्र हिंदू धर्म में सन 1951 में 8 सितंबर को गांव धनाना, जिला सोनीपत, प्रांत हरियाणा, भारत में एक किसान परिवार में हुआ। इस प्रकार सन 2001 में संत रामपाल जी महाराज जी की आयु 50 वर्ष बनती है जो नास्त्रोदमस के अनुसार खरी है और इसीलिए वह विश्व धार्मिक नेता संत रामपाल जी महाराज जी ही हैं जिनकी अध्यक्षता में भारतवर्ष पूरे विश्व पर राज करेगा। पूरे विश्व में एक ही ज्ञान अर्थात भक्ति मार्ग चलेगा, एक ही कानून होगा, कोई दुखी नहीं रहेगा, विश्व में पूर्ण शांति होगी, जो विरोध करेंगे अंत में वे भी पश्चाताप करेंगे तथा तत्वज्ञान को स्वीकार करने पर विवश होंगे और सर्व मानव समाज मानव धर्म का पालन करेगा और पूर्ण मोक्ष प्राप्त करके सतलोक जाएंगे। यही प्रमाण संत गरीबदास जी छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा वाले ने दिया है। ग्रीब सदगुरु दिल्ली मंडल आईसी सूती धरणी सूम जगायसी। परमात्मा की भक्ति बिना कंजूस हो गए व्यक्तियों को जगाएगा। गांव धनाना, जिला सोनीपत पहले दिल्ली शासित क्षेत्र में पड़ता था और इसीलिए संत गरीबदास जी महाराज जी ने कहा है कि सदगुरु अर्थात वास्तविक ज्ञान जानने वाला संत अर्थात तत्वदृष्टा संत दिल्ली मंडल में आएगा। फिर कहा है कि साहिब कबीर तख्त खवासा, दिल्ली मंडल लीजे वासा। भावार्थ है कि परमेश्वर कबीर बंदी छोड़ के तख्त अर्थात दरबार का खवास, नौकर अर्थात परमेश्वर का नुमाइंदा प्रतिनिधि दिल्ली मंडल में वास करेगा अर्थात वहाँ उत्पन्न होगा। प्रथम अपने हिंदू बंधुओं को तत्व ज्ञान से परिचित करवाएगा और बुद्धिमान हिंदू ऐसे जागेंगे जैसे कोई हड़बड़ा कर जागता है अर्थात उस संत के द्वारा बताए तत्व ज्ञान को समझकर अविलंब उनकी शरण ग्रहण करेंगे। फिर पूरा विश्व उसी तत्वदर्शी हिंदू संत के ज्ञान को स्वीकार करेगा और यह भविष्यवाणी श्री नास्त्रोदमस जी ने भी की है। नास्त्रोदमस जी ने यह भी लिखा है कि मुझे दुख इस बात का है कि उसे परिचित न होने के कारण मेरा
दृष्टा साइरन अर्थात तत्व दृष्टा संत उपेक्षा का पात्र बना है। हे बुद्धिमान मानव, उसकी उपेक्षा न करो। वह तो सिंहासनस्थ करके अर्थात आसन पर बिठा कर आराध्य देव इष्ट देव रूप में पूजा करने योग्य है। वह हिंदू धार्मिक संत साइरन आदि पुरुष पूर्ण परमात्मा का अनुयायी जगत का तारणहार है। परमेश्वर कबीर जी बंदी छोड़ ने कहा है कि आछे दिन पाछे गए सदगुरु से किया न हेत, अब पछतावा क्या करे जब चिड़िया चुग गई खेत। सर्व मानव समाज से प्रार्थना करते हैं कि पूर्ण संत रामपाल जी महाराज जी को पहचानो तथा अपने व अपने परिवार का कल्याण करवाओ, अपने रिश्तेदारों तथा दोस्तों को भी बताओ तथा पूर्ण मोक्ष पाओ। स्वर्ण युग प्रारंभ हो चुका है और लाखों पुण्य आत्माएं संत रामपाल जी महाराज जी तत्वदर्शी संत को पहचान कर सत भक्ति कर रहे हैं। वे अति सुखी हो गए हैं, सर्व विकार छोड़ कर निर्मल जीवन जी रहे हैं।